नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गरियाबंद जिला के 10 दिनों के तालाबंदी को लेकर आज देवभोग बाजार में गहमागहमी रहा। जहां 10 दिनों के जरूरत के सामान के लिए दुकानों में भीड़ दिखाई दी, वहीं पैसे निकालने बैंकों में भी शाम तक भीड़ दिखी। लोगों को डर है कि पिछले वर्ष जैसा 10 दिन के बाद फिर तालाबंदी हो सकते हैं और इसकी तैयारी को लेकर दिन भर बाजार में गहमागहमी रहा। दोनों तरफ के सीमा सील कर देने के बाद उड़ीसा के कई जरूरत सामग्री छत्तीसगढ़ नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते गुड़ाखू, खैनी और आलू प्याज के दामों में वृद्धि देखी गई। वहीं किराने की दुकानों की आवश्यक वस्तुएं बचा नहीं, लोग 10 दिनों के बजाय महीने भर का राशन पानी भर लिए। वहीं निजी क्लिनिकों में भी भीड़ रहा। 10 दिनों के तालाबंदी के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग इलाज के लिए घंटों निजी क्लिनिक एवं अस्पतालों में डटे रहे। भीड़ को लेकर देवभोग SDM अनुपम आशीष टोप्पो ने कहा, तालाबंदी को लेकर जरूरत के सामान भरा जाना आवश्यक है। 15 दिन पहले दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश दिए गए थे। नहीं, संक्रमण फैलने का डर है, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि आने वाले 10 दिन जो सामान्य जनमानस है उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, वो तो लाजमी सी बात है कि आज संख्या ज़्यादा है लोगों की, लेकिन इससे हम लोग इस चीज़ से निश्चित रहेंगे कि जो लोग लॉकडाउन में होने की कोई परेशानी ना हो, है ना। सर, जैसे उड़ीसा सीमा गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।